एल इज इक्वल टू वन मीटर नाउ अ हंड्रेड किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचिस इट अलोंग इट्स लेंथ तो अब क्या किया कि इसके जो लेंथ है इस पर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में जिसने इसकी लेंथ को कुछ स्ट्रेच किया एक स्मॉल लेंथ तक डेल्टा एल मतलब एक रोड के ऊपर मान लो ये एक मार्कर है इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जिससे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और वो इंक्रीज लेंथ को मैं डिनोट कर रही हूँ डेल्टा एल से नाउ हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस एलोंगेशन एंड परसेंटेज स्ट्रेन ऑन रोड जिसमें हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है टू इन टू टेन एच टू पावर इलेवन सो नाउ फोर्स हमें गिवन है हंड्रेड किलो न्यूटन किलो कितना होता है टेन एच टू पावर थ्री न्यूटन तो ये हमारा फोर्स आ गया नाउ फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इस रोड का एरिया फोर्स कितना इस पर लगा हंड्रेड इंटू टेन एच टू पावर थ्री न्यूटन डिवाइड बाई एरिया एरिया होता है पाई आर स्क्वायर आर रेडियस आ जाएगा रेडियस इज टेन एच टू पावर माइनस टू का स्क्वायर तब इसको सोल्व करेंगे टेन एच टू पावर फाइव डिवाइड बाई पाई इंटू टेन एच टू पावर माइनस फोर सो यहाँ से हमारा आ गया टेन एच टू पावर फाइव प्लस ये टाइम हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस फोर डिवाइड बाय पाई पाई की वैल्यू होती है पाई इज थ्री पॉइंट वन फोर तो यहाँ पाई की वैल्यू पुट करेंगे थ्री पॉइंट वन फोर तो आ गया हमारा वन बाय थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू पावर नाइन इसकी यूनिट क्या आएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो इसको सोल्व करेंगे अब यहाँ देखो पॉइंट हटा के हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री वन फोर इंटू टेन पावर नाइन इसको टू से कैंसिल कर लेंगे फिफ्टी वन फिफ्टी सेवन और अब देखो यहाँ न्यूमिनेटर स्मॉल है तो इसको लार्ज बनाने के लिए यहाँ टेन की पावर नाइन है तो इसमें से एक पावर कम करके हम इस पावर का यहाँ यूज़ कर लेंगे तो क्या कर सकते हैं हम इसको फाइव इन फिफ्टी इंटू टेन डिवाइड बाय वन फिफ्टी सेवन इंटू टेन एच टू पावर एट ऐसे तो हम कर सकते हैं बस आपको क्या करना है फाइव हंड्रेड को वन फिफ्टी सेवन से डिवाइड करना है डिवाइड बाय वन फिफ्टी सेवन जहाँ से आपका आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा थ्री पॉइंट एट वन एट सम तो यहाँ से हमारा स्ट्रेस आ गया थ्री पॉइंट वन एट इंटू टेन टू पावर एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ये हमारी स्ट्रेस की वैल्यू आ गई नाउ सेकेंड पार्ट करेंगे एलोंगेशन नाउ सेकेंड पार्ट इज एलोंगेशन एलोंगेशन होता है कि उस लेंथ में कितना चेंज आया दैट इज़ डेल्टा एल हमने कैलकुलेट करना है अब डेल्टा एल कैसे निकाले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो आपको एक यंग मॉडुलस गिवन है यंग मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है वाई हमें गिवन है टू इंटू टेन एस्ट पावर इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यंग मॉडुलस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू एल बाई डेल्टा एल तो क्या हम यहाँ से डेल्टा एल निकाल सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एल ये टर्म को ले जाऊंगी लेफ्ट साइड और यंग मॉडुलस आ जाएगा डिनोमिनेटर में इजिक्वल टू फोरस अपॉन एरिया इंटू एल डिवाइड बाई वाई बस आपको वैल्यू पुट करनी है अब ये दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारा आया था थ्री पॉइंट वन एट इंटू टेन टू पावर एट नाउ इंटू लेंथ इज़ वन मीटर डिवाइड बाय यंग टू इंटू टेन एस टू पावर इलेवन तो इसको सोल्व करेंगे डायरेक्ट कट हो जाएगा वन पॉइंट फाइव नाइन क्या वन पॉइंट फाइव नाइन इंटू टेन टू पावर एट माइनस इलेवन सो वन पॉइंट फाइव नाइन इंटू टेन एस्ट पावर माइनस थ्री मीटर ये मीटर में आया अगर वो क्वेश्चन में दे कि आपको मिलीमीटर में लिखना है या सेंटीमीटर में लिखना है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो हमारा आ गया एलोंगेशन नाउ थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज स्ट्रेन ऑन रोड तो पहले हम स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे दैन परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन तो स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ तो डेल्टा एल हमने कैलकुलेट किया 1.59 पॉइंट फाइव नाइन इंटू टेन एस्ट पावर माइनस थ्री मीटर डिवाइड बाय लेंथ हमें गिवन है वन मीटर तो यह आ जाएगा वन पॉइंट फाइव नाइन पावर माइनस तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी तो ये हमारा स्ट्रेन आ गया अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज इन स्ट्रेन तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से तो आ गया हमारा वन पॉइंट फाइव नाइन इंटू टेन पावर माइनस वन और जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन परसेंटेज आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू